नमस्कार, मैं हरीश शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आरबी न्यूज लाइव में। खबर आ रही है बिहार के गोपालगंज जिले के चंद्री टोला ग्राम पंचायत से, जहां बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को खाने पीने की भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और स्थानीय लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। इस खबर के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हमारे आगे की रिपोर्ट और बने रही आरबी न्यूज लाइव के साथ। हमारा परिवार गिरा है, वो हम बचे। अब हम दिखाना चाहेंगे जो जगरी टोला पंचायत में है और यहाँ पे काफी ज्यादा पानी बढ़ चुका है और यहाँ की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ के लोगों के अंदर दिख रहा है काफी ज्यादा दहशत, लगातार पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। और हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि आगे की जानकारी के लिए और कैमरा मैन कहेंगे देखिए यहाँ पे पूरा पानी का स्तर बढ़ चुका है, काफी ज्यादा पानी यहाँ पे। हमारा बहुत हमारा गोदन पर हम के मजदूर आदमी बने थे, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा लोग दिक्कत में हैं। और यहाँ पे हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आपके बीच है ना, यहाँ पे तो उनसे आप सहयोग नहीं ली? ना, देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा दुख में है यहाँ के लोग जो हैं, काफी ज्यादा दुख व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि आगे की जानकारी के लिए। मैडम आपका नाम? यहाँ पे आपके साथ कितने लोग हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? पांच आदमी। और यहाँ पे सब कोई यहीं पे है, कोई बाहर नहीं है? एगो हम बनी अपना लड़की के लेकर ही कहीं भेज गई है। अच्छा, देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना कर रहा है, काफी ज्यादा दुख व्यतीत कर रहे हैं। हम आगे की पड़ रहा है परेशानियाँ, यूं कहें तो ये लोग खुद बता रहे हैं कि इन लोगों को क्या परेशानी है। बाबा जी आपका नाम? रुबासानी। किस तरह से क्या हुआ आपके? हमारा 8 में एक नाम का पता नहीं है, घर दूर ढह गया, छोड़ के इस गाँव में रहता हूँ। आपका घर पूरा ढह चुका है? पूरा। कौन सा गांव है? खाप मकसूदपुर। खाप मकसूदपुर, आज हम खाप मकसूदपुर में है। देखिए यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा दिक्कत में है, बाढ़ का पानी यहाँ पे बढ़ जाने की वजह से। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आपके साथ क्या सहयोग मिला उससे? कुछ नहीं मिला। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आप अकेले ही हैं कि और भी आपके साथ फैमिली है? 8 नंबर का कर रही है गांव में। कितने वाले घर में कितने लोग हैं? घर में 15 आदमी। और सब कोई कहाँ यहाँ से जाते हैं, भागा है अपना अकेला। देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा स्थिति खराब हो चुका है यहाँ के, मतलब ज्यादा पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों का घर ढह चुका है और यहाँ से फैमिली का पता नहीं, यहाँ कहीं कहीं जाके रह रहे हैं लोग। और हम आपको दिखा रहे हैं आरबी न्यूज लाइव चैनल से, आरबी न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से गोपालगंज, ऋतु कुमार यादव। नमस्कार आरबी न्यूज लाइव से, मैं ऋतु कुमार। आज हम जनपद गोपालगंज सदर प्रखंड में मौजूद हैं, ग्राम पंचायत खरटिया रामपुर में, और यहाँ पे रामपुर नहीं रामनगर में मौजूद हैं। और यहाँ का बाढ़ का पानी स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हम अपने कैमरेमैन से कहेंगे आज हम वहाँ पे घर में पानी घुस गया, वहाँ से लोग काफी ज्यादा पानी बढ़ने की वजह से वहाँ के लोग उस गांव से निकल के दूसरे जगह प्लान कर रहे हैं। हम आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे, लगातार बने रहिए आरबी न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से। खाता का कौन चीज करी, प्राण रखे खातिर तो केहू ना केहू कुछ खाइबे पिएबे करी। यहाँ पे जो भी आपके बीच यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीओ साहब के माध्यम से आप लोगों के बीच जो बाढ़ पीड़ित है उनके बीच खाने की व्यवस्था किया गया है, इस तरह से आप लोग कुछ नहीं क्या भाई? देखिए यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ नाम के लिए, यानी जो कहा जाए कि सिर्फ नाम के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। और यहाँ पे जो पानी के अंदर काफी ज्यादा पानी है उन लोगों के बीच कोई राहत सामग्री नहीं पहुँच रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहा है। देखिए यहाँ पे पानी का रफ्तार जो है काफी तेज है। देखिए अपने दर्शकों को दिखाना, अपने कैमरामैन से चाहेंगे और यहाँ की जो पानी का रफ्तार है वो दिखाएं। देखिए यहाँ पे कितना दिक्कत से लोग रह रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे छत पे रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मड़ई भी गिरा हुआ है। देखिए अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए।